कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। हम अपनी वीडियोस भी शूट कर रहे हैं, हम जगह जगह ट्रिप कर रहे हैं और हम अब हमारा नेक्स्ट ट्रिप भी जल्दी ही बनने वाला है, तो अब हमारी वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमारी दुनिया में अब तक जो अंधविश्वास हम मानते आए हैं आखिर उसके पीछे का लॉजिक क्या है और साइंटिस्ट उसके लिए क्या कहते हैं। तो मैं आज आपको 10 ऐसे अंधविश्वास बताऊंगी जो हम अब तक मानते आए हैं और हमें उसके पीछे का लॉजिक तक नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है मंदिर में घंटी बजाना। पहले जानते हैं अंधविश्वास और फिर बताएंगे हम उनका लॉजिक। अंधविश्वास ये कहता है कि मंदिर में घंटा बजाने से भगवान खुश होते हैं, जबकि लॉजिक ये कहता है कि ज़्यादातर मंदिरों में तांबे की घंटी लगी होती है। तांबे को बजाने से निकलने वाली ध्वनि आसपास की सूक्ष्म बैक्टीरिया को मारती है और साथ ही शरीर के सातों केंद्रों को एक्टिव कर देती है। दूसरा, कौओं को रात का खाना खिलाना। तो पहले जानते हैं इसके पीछे अंधविश्वास। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वज कौओं का रूप लेकर खाना खाते हैं, लेकिन लॉजिक कहता है कि कौए शुरू से ही इंसानों के आसपास पाए जाते हैं। श्राद्ध में बना प्रसाद खिलाने के लिए इन्हें खोजना नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। तीसरा है दही खाकर घर से निकलना। अंधविश्वास ये कहता है कि इसे खाकर घर से निकलना शुभ होता है और हमारी मम्मी भी हमें दही और चीनी ज़रूर खिलाकर भेजती है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं बताती हूँ आपको। गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है, साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। नंबर चार, बैठकर खाना खाना। इसका पीछे का अंधविश्वास है कि ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाने से आपके पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक ये कहता है कि ज़मीन पर बैठकर खाने से आपकी पाचन क्रिया ज़्यादा अच्छा काम करती है और खाना आसानी से पच जाता है। नंबर पाँच, मंगल और गुरुवार को बाल ना धोना। ये वाला अंधविश्वास तो मैंने खुद भी किया है। इन दिनों बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके पीछे का लॉजिक है कि पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने में पानी ज़्यादा खर्च होता है, तो इन दो दिन पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे। नंबर छः, दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना। ये अंधविश्वास तो दोस्तों हर कोई करता है, तो इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। इससे बुरी नज़र और बुरी ताकत दूर रहती है, जबकि लॉजिक ये कहता है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड होता है जो कीड़े मकोड़ों को घर में अंदर आने से रोकता है। नंबर सात, रात में नाखून नहीं काटना। अंधविश्वास कहता है कि इससे बुरी किस्मत के साथ जोड़ा जाता है, जबकि लॉजिक कहता है कि पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, इससे अंधेरे में उंगलियां कटने का भी डर होता था। नंबर आठ, गर्भवती महिला के बाहर जाने पर पाबंदी। गर्भवती महिला के बाहर जाने पर पाबंदी का अंधविश्वास ये माना जाता है कि बुरी आत्मा का साया माँ और होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है, जबकि लॉजिक कहता है कि पहले के वक्त में आने जाने के साधनों की कमी थी और गर्भवती महिलाओं को पैदल चलने में समस्या होती थी। नंबर नौ, सांप को मारने के बाद सिर कुचलना। अंधविश्वास कहता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर आंखों में छप जाती है, जबकि लॉजिक कहता है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सिर को कुचलकर दबा दिया जाता है। और नंबर 10 पर है ग्रहण के समय बाहर ना आना। दोस्तों अंधविश्वास कहता है कि बुरी ताकतें हावी हो जाती है, जबकि लॉजिक कहता है कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं, साथ ही नंगी आँखों से उसे देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अंधविश्वास और उसके पीछे के लॉजिक। तो होप है कि आप अब इन अंधविश्वासों को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों आप जब भी आप किसी अंधविश्वास को माने तो उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर याद रखना। और ऐसे ही कई और कई अनकई बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ
कही अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।